दोस्तों, आप सभी ने साल 1984 में आई फिल्म तोहफा तो जरूर देखी होगी, जो कि एक ऐसी फिल्म थी जिसमें एक बहन अपनी दूसरी बहन के लिए अपने प्यार का बलिदान दे देती है। बस यही इमोशनल स्टोरी ने इस फिल्म की कहानी को लाजवाब बना दिया था। साथ ही फिल्म में नजर आए कलाकारों ने भी अपने अलग अलग अंदाज से फिल्म की कमाई में चार चांद लगा दिए थे। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म को बीते आज पूरे 37 साल होने वाले हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में नजर आए कलाकार इतने ज्यादा बदल चुके हैं जिन्हें शायद ही आप पहली नजर में पहचान पाए। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं कलाकारों से रूबरू करवाएंगे जो इन 37 सालों में काफी बदल चुके हैं। तो चलिए देर किस बात की, रूबरू होते हैं उन्हीं कलाकारों से। नंबर एक, असरानी। फिल्म में पुजारी का किरदार निभाते हुए अभिनेता असरानी नजर आए थे, जिन्होंने अपने शानदार अभिनय से हर एक शख्स का दिल जीत लिया था। वहीं आपको बता दें कि फिल्म में पुजारी का किरदार निभाने वाले अभिनेता असरानी इन बीते सालों में 80 साल के हो गए हैं और पहले से काफी बूढ़े नजर आते हैं, जिनमें इनके चेहरे पर झुर्रियां देखने को मिलती हैं। हालांकि इनकी पर्सनालिटी पहले से काफी ज्यादा एनहेंस हो गई है, जैसा कि आप इनकी पहले और अब की तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि ये आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं और अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। साथ ही ये वर्तमान में अपनी पत्नी मंजू और बेटे नवीन के साथ मुंबई में अपने आलिशान बंगले में रह रहे हैं। नंबर दो, अरुणा ईरानी। फिल्म में सुंदरी का किरदार निभाते हुए अभिनेत्री अरुणा ईरानी नजर आई थी, जिनके हर एक अंदाज के तो दर्शक मुरीद हो गए थे। वहीं बता दें कि फिल्म में सुंदरी का किरदार निभाकर मशहूर हुई अभिनेत्री अरुणा ईरानी इन बीते 37 सालों में काफी बदल चुकी हैं और पहले के मुताबिक अब ये उतनी सुंदर भी नजर नहीं आती जितना कि ये पहले हुआ करती थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ इनकी खूबसूरती भी कम हो गई है, जैसा कि आप इनकी पहले और अब की तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। वर्तमान में ये इंडस्ट्री की चकाचौंध से दूर हैं। इन्हें आखिरी बार साल 2018 में पोरस सीरियल में देखा गया था और अब इंडस्ट्री से दूर होकर ये मुंबई में अपने हस्बैंड कुकू कोहली के साथ काफी खुशहाल जीवन बिता रही हैं। नंबर तीन, शक्ति कपूर। हर बार की तरह इस बार भी अभिनेता शक्ति कपूर इस फिल्म में कमलेश का नकारात्मक किरदार निभाते हुए नजर आए थे, जिन्होंने अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए नकारात्मक चालें चली थी और इसी वजह से तो ये काफी लोकप्रिय हुए थे। वहीं आपको बता दें कि फिल्म में कमलेश का नकारात्मक किरदार निभाकर मशहूर हुए अभिनेता शक्ति कपूर इन बीते सालों में 68 साल के हो चुके हैं, जिनकी उम्र का असर इनके शरीर पर साफ नजर आता है, जहां ये पहले के मुताबिक काफी ज्यादा बूढ़े नजर आते हैं, जिनके बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके हैं। साथ ही इनके चेहरे पर काफी ज्यादा झुर्रियां भी आ चुकी हैं, जो कि आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं बता दें कि ये आज अपनी पत्नी शिवांगी कोल्हापुरी और दोनों बच्चों के साथ जुहू में एक काफी खुशहाल जीवन बिता रहे हैं, जहां इन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को जारी रखा है, जिन्हें हाल ही में आई फिल्म लूसीफर में देखा गया था। नंबर चार, श्रीदेवी। फिल्म में जानकी की बहन ललिता का किरदार बॉलीवुड इंडस्ट्री की चांदनी यानी कि श्रीदेवी निभाते हुए नजर आई थी, जिन्होंने अपने किरदार से सभी का दिल जीत लिया था। लेकिन दोस्तों, फिल्म की मुख्य अभिनेत्री ललिता का किरदार निभाने वाली श्रीदेवी आज हमारे बीच नहीं है। साल 2018 में 54 साल की उम्र में ये इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं और अपने पीछे अपने फिल्म निर्माता पति बोनी कपूर और दो बेटियां जानवी और खुशी को अकेला छोड़ गई हैं। नंबर पाँच, जितेंद्र। फिल्म में जानकी के प्रेमी और ललिता के पति रामू का किरदार अभिनेता जितेंद्र निभाते हुए नजर आए थे, जो कि जानकी से बेइंतहा प्यार करते थे, पर जानकी की जिद की वजह से वो उनकी बहन ललिता से शादी कर लेते हैं। वहीं बता दें कि फिल्म में रामू का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुए अभिनेता जितेंद्र आज 78 साल के हो गए हैं और पहले से काफी ज्यादा बूढ़े नजर आते हैं, जिनके चेहरे पर झुर्रियां साफ दिखती हैं, जैसा कि आप इनकी इन तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगा सकते हैं। तो वहीं बता दें कि आज ही अपनी पत्नी शोभा कपूर और दोनों बच्चों के साथ लोखंडवाला में रहकर अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं। नंबर छह, जया प्रदा। फिल्म में जानकी की बहन और रामू की प्रेमिका का किरदार अभिनेत्री जया प्रदा निभाते हुए नजर आई थी, जिन्होंने अपने किरदार से हर एक शख्स को इमोशनल कर दिया था। लेकिन आपको बता दें कि फिल्म में ललिता के किरदार में नजर आई अभिनेत्री जया प्रदा आज अपनी 58 साल की उम्र कंप्लीट कर चुकी हैं, जिनकी बेमिसाल खूबसूरती ने भी इनका साथ छोड़ दिया है। आज मोटापा बढ़ने के चलते ये पहले जितनी खूबसूरत नजर नहीं आती, जैसा कि इनकी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। वहीं आज ये इंडस्ट्री से दूर होकर पॉलिटिशियन के तौर पर बीजेपी पार्टी का समर्थन करती हैं। इसी के साथ बताते चलें कि इन्होंने निर्देशक श्रीकांत नहाटा से शादी की है और आज उन्हीं के साथ मुंबई में खुशहाल जीवन बिता रही हैं। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म में किस कलाकार का अभिनय सबसे ज्यादा पसंद आया था,
आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।